मिस महिमा आप अंदर जा सकती है। अरे आइए 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 अंदर अंदर, वो डॉक्टर वेट कर रहे हैं। ऐसा क्या करूं मैं? एक मिनट, इससे पहले तुम कुछ बोलो। 1 2 ऑलरेडी तुमसे दूर खड़ा हूं, तो अब दूर जाने को मत कहना तुम मुझसे, ओके? वेंकटेश्वर क्या करूं मैं ऐसा जो ये मुझसे दूर है? और कितना दूर हूं मैं? नीचे जाके फ्लोर पे खड़ा हो जाओ। क्या करने आया तुम यहाँ? इस बार मैं सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे। तुम्हें याद है कि नहीं मैंने लास्ट टाइम क्या दिखाया था तुम्हें? चप्पल दिखाई थी ना तुमने, साइज याद है 6 नंबर। पीछे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम हो, तुम मेरी प्रॉब्लम। पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो मेरा पीछा? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ यहाँ पे? तुम्हारा पीछा नहीं, मैं यहाँ पे नौकरी ढूंढने आया था। अरे क्लर्क की ओपनिंग है इनके पास, मैंने ऐड देखा था सुबह, तो क्लर्क की नौकरी लेने आया हूँ मैं। अरे खाना तो खाऊंगा या वो भी ना करूं, इसलिए उसके लिए नौकरी चाहिए, मुझे यहीं पे आया था नौकरी ढूंढने। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और महिमा दी वो ठीक है? ठीक होती तो यहाँ आती। ये भी सही। प्रिशा तुम बिल्कुल सही कह रही थी, डिप्रेशन का बहुत ही गहरा असर पड़ा है महिमा के दिमाग पर। ऐसे में माइंड जो है चारों तरफ अपनी दीवार बना देता है और फिर माइंड जो है वो अलग अलग बिहेव करता है, जैसे कि होश में होते हुए भी होश में ना होना। एग्जैक्टली महिमा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, ऐसा लगता था जैसे वो किसी ट्रांस में है। क्या कर रही है, कहाँ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता था, जैसे नींद में हो। बिल्कुल सही कह रही हो, और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैं ना कुछ मेडिसिन बता दूंगी, तुम उसको दे देना, उससे डिप्रेशन कम हो जाएगा। मेडिसिन स्किप नहीं होनी चाहिए। ओके, टेक केयर। क्या हुआ प्रिशा, सब ठीक है? अक्का की ये हालत देखकर भी पूछ रहे हो? मरने वाली थी आज, 7 साल पहले खोया था उन्हें, आज वापस खोने वाले थे। प्रिशा मैं सब समझता हूँ, पर अब ऐसा कुछ नहीं अक्का। मैं क्या गारंटी है उनकी हालत और खराब होती जा रही है, खुद से कंट्रोल हटता जा रहा है। मैं महिमा अक्का के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे तो तुम क्या चाहती हो? अलग कर दो सारांश को, तोड़ दो अपनी फैमिली। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना रुद्रा, मैं भी नहीं खोना चाहती सारांश को, लेकिन उसके लिए ऐसे महिमा अक्का को मरने के लिए छोड़ दूं? मेरी जगह आकर तो सोचो। अरे तुम्हारी जगह आके ही सोच रहा हूँ मैं, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि वो हर्ट हो, पर हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। हम सारांश को साथ मिलकर रखे तो, मतलब सारांश महिमा अक्का के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, दोनों एक दूसरे को जानेंगे, अटैच होंगे, तो अक्का को भी अच्छा लगेगा, फिर दोनों और फिर वो उसे लेके जाएंगे। यही ना, तुम समझती क्या हो? सारांश कोई चीज नहीं है जिसको हम शेयर करें। तो कैसी बातें कर रहे हो रुद्र? तो और क्या बोलूं मैं, हा? क्या बोलूं, बार बार एक ही बहस, एक ही सवाल जवाब। मैं कह चुका हूं ना तुम्हें कि मैं सारांश को अपने से अलग नहीं होने दूंगा, और तुम जानती हो कि कितना भरोसा करता हूं मैं तुम पर, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, इसलिए तो उन्हें ऑप्शन दिया था कि हमारे घर में आओ रहो, और नहीं उन्हें तो सारांश चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए उन्हें, और ये सारांश चाहिए, सारांश चाहिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा प्रिशा, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आइंदा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है ना सुननी, ठीक है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, सारांश बेटा है अक्का का। सारांश मेरे भाई का भी बेटा है। महिमा अक्का रियल मदर है सारांश की, और मैं सारांश का लीगल फादर हूं, कानूनन वो मेरा बेटा है, और मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा, समझी? ये क्या हो रहा है? मैं तुम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने नहीं आई हूं, तो मुझे सच में लग रहा है कि मैंने यहां आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको रेस्ट करना चाहिए ना। एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, इनफैक्ट किसी की भी गलती नहीं है, शायद लाइफ को यही मंजूर है, और अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांग लेती ना, तो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचता, हंस के दे देता। और सारांश मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर मेरे भाई की निशानी है, उसके रूप में भाई वापस मिले मुझे,
और मैं उन्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, इसलिए I'm really sorry, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऋषा मैं तुम्हारे कार में वेट कर रहा हूं। तुम जाओ, मैं भी अक्का के साथ हूं। नहीं, प्रीशा तुम्हारे साथ ही जाएगी, तुम वेट करो, मैं भेजती हूँ उसे। प्रीशा तू क्यों इतना सोच रही है? मैंने कहा ना मैं तुम्हारा ये सब नहीं करूंगी, तू जा अभी। लेकिन तुझे मेरी कसम, तू जा। सॉरी वाइफी, मैंने तुम पे गुस्सा किया, चिल्लाया, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर तुम जानती हो ना कि सारांश मेरे लिए क्या है, और जहां उसकी बात आती है मैं कितना इमोशनल हो जाता हूं, पर फिर भी मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है ना मुझे दे दो, मुझे मंजूर है। अरे क्या यार, सॉरी बोला ना मैंने, तो माफ कर दो ना यार, प्लीज। देखो माफ कर दो, वरना वरना रुद्राक्ष, 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 ये कहाँ गया? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। पहले तुम बोलो कि तुमने मुझे माफ किया, नहीं तो मैं यही खड़ा रहूंगा। I'm sorry, प्रीशा। I'm sorry. रुद्राक्ष क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, नीचे उतरो। पहले बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। I'm sorry, प्रीशा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके बाबा, नीचे उतरो, मैंने माफ किया तुम। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, दिल से बोलो, दिल से। रुद्राक्ष, ओके 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 ओके, मैंने तुम्हें माफ किया, प्लीज नीचे उतरो, ओके। मामा रुद, ओए चैंप, महिमा कैसी है? ठीक है पापा। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अच्छी न्यूज? आशा को कॉन्सर्ट है तुम्हारा। कॉन्सर्ट? अभी तक तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि परमिशन मिलेंगी या नहीं, बट नाउ वी आर डूइंग इट प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लॉकडाउन के बाद यह तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट होगा दिल्ली में। ये तो सच में गुड न्यूज है। कब से लाइव कॉन्सर्ट नहीं किया मैंने, पूरी मेहनत करूंगा। I'll give my best. पापा जी, I must say, you're very far-sighted. दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पहला कॉन्सर्ट रुद्र का, बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी इसे।